नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार, आपको बताऊंगा सारे एक्वेरियम का टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारे जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फिश के बारे में जिसका नाम है टिम्पल बार। ये जो फिश है ये एक फ्रेश वाटर फिश है, मतलब मीठा पानी में रहने वाली मछली है। और हम आज बात करेंगे क्या है कि आप जो टिम्पल बार फिश को रखने के लिए आपका पानी का कंडीशन क्या होना चाहिए, तो इसी वीडियो में पूरी हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल का आइकन है उसको भी दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, मैं बता दूँ ये जो फिश है इसको रखने के लिए आपका पानी का कंडीशन तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका टेम्परेचर, पीएच वैल्यू और केएच वैल्यू। ठीक है, आप ये तीनों को मेंटेन करके रखेंगे तो आपका फिश जो है वो हेल्दी रहेगी, ज़्यादा जल्दी नहीं मरेगी और आपका जो फिश है उसका ग्रोथ भी जल्दी जल्दी बढ़ता जाएगा। तो पानी का आप पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, तो पानी का टेम्परेचर आप क्या रखेंगे, तो बता दूँ दोस्तों टिम्पल बार फिश को रखने के लिए आपका जो पानी का टेम्परेचर है वो आप रखेंगे 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रख सकते हैं। और जो के एच वैल्यू है वो आप रख सकते हैं 4 से लेकर 10 तक के एच वैल्यू को रख सकते हैं। और जो पी एच वैल्यू है वो आप रख सकते हैं 6 से लेकर 7.5, मतलब 7.5 तक आप रख सकते हैं उसको। ये जो मैंने आपको बताया सब कुछ, पी एच वैल्यू, के एच वैल्यू और टेम्परेचर, ये तीनों को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जो ये नॉर्मल के एच वैल्यू और पी एच वैल्यू है उसको आप मेज़र नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको कम ज़्यादा करने के लिए, पी एच वैल्यू कम ज़्यादा करने के लिए आप जो पेट शॉप से जाके लिक्विड मिलती है उसको आप जो है ला के एक्वेरियम में, जो आपका एक्वेरियम है उसमें आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर आप इसको तो नहीं कर पाएंगे, तो बता दूँ दोस्तों आप टेम्परेचर को जो है उसको ही मेंटेन करके रखिए। आप 23 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर तक जो है वो रखिए। और अभी तो ये मतलब समर सीजन आ गया है, तो अभी आप क्या करें, अभी 24 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक आप टेम्परेचर सेट करके रखिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपका कोई फीस के बारे में, कोई पर्टिकुलर फीस के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसी फीसेस के बारे में वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।